हेलो एवरीवन वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल बीट द नीट एंड कैसे हैं बच्चों आप सब लोग एंड आई होप कि आपका रिवीजन अब बहुत तेज़ी से चल रहा होगा एंड मेरी ये क्विक रिवीजन पॉडकास्ट सीरीज आपकी इस रिवीजन में ज़रूर जरूर जरूर हेल्प कर रही होंगी एंड इसे आप अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कर रहे होंगे एंड आपके जो प्यारे प्यारे मोटिवेटेड कमेंट्स आते हैं उनको देखने के बाद में मुझे जल्द से जल्द आप लोगों के लिए कंप्लीट करनी है एंड आई विल डू डेफिनेटली सो so, अगर आप नए हैं चैनल पे और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट -फड़ से कर लीजिए एंड आपको अगर लगता है कि ये हेल्पफुल है तो एक लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिए सो so, चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर है बॉडी फ्लूड्स एंड सर्कुलेशन और इसको हम लोग खत्म करेंगे जल्द से जल्द आप इससे पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें मैंने कोई भी पार्ट एन का मिस आउट नहीं किया है जो भी आपके नीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टर्म्स डायग्राम फ्लो चार्ट सब कुछ इसमें मौजूद है तो आप इसको पूरा सुन सकते हैं आराम से और उसके साथ में आप अपना पूरा रिविजन कर सकते हैं सो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखेंगे हम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम तो इसमें मेन होगा कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड इसके क्या फंक्शंस होते हैं सो so, सबसे पहले देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो दैट इज ब्लड ब्लड वेसल्स एंड हर्ट ब्लड सिंथिसाइज इन रेड बोन मैरो एंड कॉम्पोनेंट्स आर लाइक प्लाज्मा एंड प्लाज्मा विच इज हैविंग सम मिक्सचर एंड वॉट इज दैट दैट इज वाटर नाइन्टी टू नाइन्टी टू परसेंट बेसिकली प्लाज्मा में मैट्रिक्स जो है वो दैट इज फिफ्टी फाइव परसेंट देन इन वाटर नाइन्टी टू नाइन्टी टू परसेंट प्रोटीन सिक्स टू एट परसेंट एंड इसमें प्रोटीन्स कौन से होते हैं फाइब्रोनोजन जो कि क्लॉटिंग का काम करता है एल्ब्यूमिन दैट इज फॉर ऑस्मोटिक बैलेंस ग्लोबुलंस दैट इज फॉर डिफेंस मिनरल्स होते हैं सोडियम आयन कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन एच सी ओ थ्री एंड क्लोराइड न्यूट्रिय होते हैं ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स लिपिड्स अब जो फंक्शन मेनली ब्लड वेस्कुलर सिस्टम परफॉर्म करता है दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रियस ऑक्सीजन ग्लूकोज एटसेट्रा एंड रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस ऑल्सो अ वर्क ऑफ दिस अब आता है मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे पास क्या क्या एक है वाटर दूसरा होता है ब्लड एंड लिम्फ तो वाटर होता है आपका स्पॉन्जेज में और इन द केस ऑफ सिलेंट्रेट्स ब्लड एंड लिम्फ जो है वो हम ह्यूम्स में पढ़ेंगे अब आते हैं हमारा जो दूसरा पार्ट है प्लाज्मा के अलावा दैट इज द फॉर्मड एलिमेंट जो कि फोर्टी फाइव परसेंट ब्लड का कवर करता है तो इसमें होते हैं आर बी सीज यानी रेथ्रोसाइड्स डब्ल्यू बी सीजी ल्यूकोसाइट्स प्लेटलेट्स यानी कि थ्रम्बोसाइड्स तो आर का नंबर होता है फाइव टू फाइव पॉइंट फाइव मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब डब्ल्यू का नंबर होता है सिक्स थाउजेंड टू एट थाउजेंड पर मिलीमीटर क्यूब एंड प्लेटलेट्स का नंबर होता है डेढ़ लाख से साढ़े तीन लाख के पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड एंड कलर जो होता है वो आर का होता है रेड ड्यू टू आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन दैट इज़ ट्वेल्व टू सिक्सटीन ग्राम पर हंड्रेड एम एंड डब्ल्यू आर कलरलेस एंड प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कलरलेस न्यूक्लियस एबसेंट होता है आरबीसी में एंड डब्ल्यू बी सी में प्रजेंट होता है एंड प्लेटलेट्स में एबसेंट होता है लाइफ स्पैन आर बी सी का होता है वन ट्वेंटी डेज डब्ल्यू बी सी जनरली शॉर्ट लिफ्ड होती हैं एंड प्लेटलेट्स शॉर्ट लिव्ड होती हैं फंक्शन आर बी सी का होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज एंड डब्ल्यू बी सी का होता है डिफेंस एंड प्लेटलेट्स का होता है कॉगलेशन ऑफ ब्लड इफ नंबर ड्रॉप्स कैन लीड टू लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी अब टाइप्स ऑफ डब्ल्यू हैं हमारे पास में तो दो मेन टाइप हैं दैट इज ग्रैन्युलोसाइट एंड ए ग्रैनुलोसाइट तो ग्रेनुलोसाइट में हमारे पास में तीन टाइप हैं एंड ए ग्रैनुलोसाइट के हमारे पास दो टाइप हैं तो ग्रैन्युलोसाइट के टाइप्स में है बेसोफिल ईसिनोफिल न्यूट्रोफिल्स एंड जो परसेंटेज होता है टोटल डब्ल्यू में वो बेसोफिल होती हैं पॉइंट से वन परसेंट ईओसिनोफिल होती हैं दो से तीन परसेंट एंड न्यूट्रोफिल्स होती हैं सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव परसेंट एंड जो शेप होता है न्यूक्लियस का वो आपकी बुक में मेंशन है बहुत ही स्मॉल शेप होता है बेसोफिल्स में इरेगुलर सा होता है एंड ईसिनोफिल में कंपैरेटिवली बड़ा होता है एंड न्यूट्रोफिल्स में उनसे भी बड़ा होता है एंड जो फंक्शन होता है बेसोफिल्स का इन्वॉल्व in in इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस ईओसिनोफिल का फंक्शन होता है रेजिस्ट इन्फेक्शन इन एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस एंड न्यूट्रोफिल का फंक्शन फैगोसिटिक होता है अब आती है ए ग्रैन्युलोसाइट इसमें दो टाइप थे मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट मोनोसाइट आपकी होती है, जबकि लिम्फोसाइट जो है वो -25 होती एंड मोनोसाइट uh, का जो फंक्शन होता है वो होता है, एंड इनवॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी आपकी लिम्फोसाइट्स होती हैं। अब आता है इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आरबीसी के आरबीसीव एंडक्लिए इन मोस्ट मैमल्स एंड प्लेटलेट्स आर सेल्फ्रेगमेंट ऑफ मेगा कैरियो एंड ग्रे वार्ड ऑफ आरबीसी होता है स्प्लीन की एंड बेसोफिल सेक्रीट हिपैरिनस्टमिन एंड सेरेटोनिन अब आता है इसके बाद में ब्लड कोगुलेशन या फिर ब्लड क्लॉटिंग जिसे कहते हैं सो इन रिस्पॉन्स टू इंजरी ट्रामा क्लॉटिंग प्रिवेंट्स लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इंजर्ड टिश्यू एंड प्लेटलेट्स जो हैं वो रिलीज करती हैं कैमिकल एंड एक कास्कट प्रोसेस होती है जो कि फॉर्मेशन करती है फ्रॉम बोकाइनिज कॉम्प्लेक्स एंड देन आफ्टर आपका प्रोथोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है इन एंजाइम कॉम्प्लेक्स की वजह से एंड देन आप ये थ्रोम्बिन सॉल्व करते हैं फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट होने के लिए जो कि इनटैंगल्ड फॉर्म्ड एनिमेंट्स होते हैं एंड मेनली रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं और ये कॉगलेट कर देते हैं एंड प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू सीरम एंड कैल्शियम आयन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स इन ब्लड आर इन इनएक्टिव फॉर्म अब आता है इसके बाद में नेक्स्ट ब्लड वेसल्स तो ब्लड वेसल्स जो है इसको हम लोग उसकी पोजीशन एंड कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं लेयर्स uh, जो उनकी वॉल में प्रेजेंट होती है तो सबसे पहले ट्यूनिका एक्सटर्ना पोजीशन इसकी आउटर मोस्ट होती है एंड कॉम्पोजिशन होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलेजन फाइबर्स देन आफ्टर होती है ट्यूनिका मीडिया मिडिल में होती है जो कि स्मूथ मजल एंड इलास्टिक फाइबर्स होते हैं इसमें एंड देन आती है ट्यूनिका एंटीमा जो इनर मोस्ट पोजिशन होती है एंड स्क्वैमस इंडोथीलियम होती है ट्यूनिका मीडिया एंड ल्यूमेन सो यहाँ पे एक डायग्राम भी आपका दिया हुआ है कहाँ पे आपकी आर्टरी थिक होती है एंड कहाँ से वो थिन होती हैं ये मैंशन किया हुआ है देन आफ्टर आपका आता है नेक्स्ट ब्लड ग्रुप्स तो ब्लड ग्रुप्स यहाँ पे ए बी ओ ग्रुपिंग भी है एंड आर एच ग्रुपिंग भी है तो ए बी ओ ग्रुपिंग को पहले देखते हैं नेचुरल एंटीजन होते हैं इसमें नेचुरल एंटीबॉडीज़ होती हैं तो नेचुरल एंटीजन बेसिकली केमिकल दैट इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स एंड नेचुरल एंटीबॉडीज़ दैट इज़ प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजनस एंड प्रेजेंट होते हैं ये आरबीसी पे एंड नेचुरल एंटीबॉडीज़ ये आपकी इन प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं एंड टाइप इसमें होता है नेचुरल एंटीजन में ए एंड बी एंड नेचुरल एंटीबॉडीज़ हो गई आपकी एंटी ए एंड बी अब आर एच ग्रुपिंग है हमारे पास में आर एच पॉजिटिव भी होता है एंड आर एच नगेटिव भी होता है तो आर एच फैक्टर प्रेजेंट होता है आर बी सी पे और आर एच नेगेटिव में नहीं प्रेजेंट होता है एंड ब्लड ग्रुप एंड आर एच फैक्टर कंपैटिबिलिटी ऑफ डोनर एंड रेसिपिएंट इज़ डन बिफोर ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड क्लम्पिंग ऑफ आर बी सीज़ ब्लड ग्रुप हमारे पास में फोर टाइप के होते हैं ए बी ए बी एंड ओ तो यूनिवर्सल डोनर हमारा ओ ब्लड ग्रुप होता है एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट हमारा ए बी ब्लड ग्रुप होता है एंटीजन जो होते हैं ए ब्लड ग्रुप में ए होता है एंड एंटीबॉडीज़ इन प्लाज्मा एंटी बी होती हैं एंड डोनर ग्रुप इसके होते हैं ए एंड ओ एंड बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ऑन आर बी सीज बी होती हैं एंटीबॉडीज़ इन प्लाज्मा एंटी ए होता है एंड डोनर्स ग्रुप में होते हैं बी एंड ओ एंड ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है इसमें एंटीजन ऑन आर बी सी ए कॉमा बी होता है एंड एंटीबॉडीज़ इन प्लाज्मा कोई नहीं होता है एंड डोनर्स ग्रुप होते हैं हमारे ए बी ए बी ओ होते हैं एंड ओ ब्लड ग्रुप जो होता है उसमें एंटीजेंस ऑन आर बी सी हमारी कोई नहीं होती है बट एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा एंटी ए एंड एंटी बी होती है एंड इसका जो डोनर ग्रुप होता है वो ओ होता है आर एच नगेटिव पर्सन अपॉन एक्सपोजर टू आर एच पॉजिटिव ब्लड विल फॉर्म आर एच स्पेसिफिक एंटीबॉडीज स्पेशल केस ऑफ आर एच इनकम्पेटिबिलिटी होता है जब मदर आर एच निगेटिव हो एंड तो एंड फिटस आर एच पॉजिटिव अगर है तो फर्स्ट बेबी नॉर्मल एज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड ड्यू टू सेपरेशन बाई प्लेसेंटा ड्यूरिंग डिलीवरी देयर आर चांसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ब्लड सो आर एच निगेटिव मदर मेक्स एंटीबॉडी अगेंस्ट आर एच एंटीजन एंटीबॉडी क्रॉस प्लेसेंटा इन प्रेगनेंसी सीवियर एनीमिया एंड ज्वाइंटस इन बेबी एंड रिथ्रो ब्लास्टोसिस कहते हैं इसे एंड एडमिनिस्टर एंटी एंटीबॉडीज टू मदर इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी सेव बेबी अब आता है इसके बाद में सर्कुलेटरी पाथवे दो टाइप के होते हैं एक होता है ओपन दूसरा होता है क्लोज्ड तो ओपन में साइनसज प्रेजेंट होते हैं क्लोज में एबसेंट होते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो ओपन में एम्प्रेसाइज होता है एंड क्लोज में प्रिसाइज होता है एग्जाम्पल होते हैं ओपन में आर्थोपोडा मोलस्का एंड क्लोज में होते हैं एनेलीडा एंड कॉर्डेटा वर्टिब्रेट्स में ऑरिकल वेंट्रिकल एंड सर्कुलेशन कैसा है वो देखते हैं तो सबसे पहले फिशज में देखते हैं तो ऑरिकल एक होता है वेंट्रिकल एक होता है एंड सर्कुलेशन सिंगल होता है एम्फीबियंस एंड मोस्ट ऑफ टाइल में ऑरिकल दो होते हैं एंड वेंट्रिकल एक होता है एंड सर्कुलेशन इनकम्प्लीट होता है और क्रोकोडाइल एवीज एंड मेमल्स मेमल्स केस में दो ऑरिकल दो वेंट्रिकल एंड सर्कुलेशन डबल होता है फिश पम्प डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू गिल्स फॉर ऑक्सीजनेशन एंड इसके बाद में हमारा आता है नेक्स्ट लिम्फ लिम्फ जो है वो एक टिश्यू फ्लूड है एंड दैट इज कलरस ब्लड में से लार्जर प्रोटीन प्लस मोस्ट फॉर्म एलिमेंट्स को माइनस कर दिया जाए तो हमारा लिम्फ बनता है एंड रिच इन लिम्फोसाइट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स हार्मोन्स एंड फैट्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स ड्रेन इंटस्टिशियल फ्लूड बैक टू मेजर वेन्स एंड लैक्टियल्स आर लिम्फ वेसल्स इन इंटेस्टाइनल विलाई टू एब्जॉर्ब फैट्स अब आता है इसके बाद में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम तो इसमें देखते हैं हम हार्ट तो हार्ट का डायग्राम अगर आप लोग एनसीईआरटी में ओपन कर लें तो बहुत अच्छा होगा

दो ऊपर वाले चैम्बर स्मॉलर होते हैं दैट इज ऑरिकल एंड टू लोअर लार्जर चैम्बर होते हैं दैट इज वेंट्रिकल्स इसमें सेप्टम होता है बिटवीन ऑरिकल्स इंटर एट्रियल दैट इज थिन एंड मस्कुलर होता है बिटवीन वेंट्रिकल जो सेप्टम होता है दैट इज इंटर वेंट्रिकुलर थिक वोल्ड होता है एंड सेप्टम जो बिटवीन ऑरिकल एंड वेंट्रिकल होता है दैट इज ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर थिक फाइब्रस होता है एंड कार्डियक वॉल्व जो होते हैं बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल दैट इज स्ट्राइक स्पिट बॉल एंड uh, जो बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के वॉल्व दिया हुआ है दैट इज बाई कस्पिट और जिसे हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं एंड एट द बेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी जो होता है एंड एट द बेस ऑफ एरोटा होता है उसे हम सेमी सेमिलोनर वॉल्व कहते हैं वॉल्व जो है दे आर एक्चुअली मस्कुलर फ्लैप्स और कस्प दैट अलाउ यूनीशनल फ्लो ऑफ ब्लड एंड प्रिवेंट इट्स बैकवर्ड फ्लो इसके बाद आता है आपकी कार्डियक मसल्स तो कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यूज होते हैं नोडल टिश्यूज होते हैं एंड नोडल टिश्यू जो है आपके हैं आपके डिफरेंट टाइप्स हैं दैट इज सीनो साइनो साइनो ऑरिकुलर नोड ऐसे नोड या पेस मेकर जिसे कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड ए वी नोड ए वी बंडल परकिंजे फाइबर्स एंड जो आपका ऐसे एन है वो मैक्सिमम एक्साइटेबिलिटी इसकी सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव एक्शन पोटेंशियल्स पर मिनट होती है साइनो ऑरिकुलर नोड जो है वो आपका राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में होता है एंड एच्रियो वेंटिकुलर नोड जो यानी ये भी नोट है वो आपका लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम मौजूद होता है इसके बाद में आपका आता है टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन तो डबल सर्कुलेशन है इसमें नो मिक्सिंग ऑफ डी एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है एंड पल्मोनरी होता है एंड सिस्टमिक होता है तो पलमोनो पल्मोनरी सर्कुलेशन सबसे पहले देखते हैं ये राइट right वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में पहुंचता है एंड वहां से पहुंचता है लेफ्ट ऑरिकल में थ्रू द पल्मोनरी वेन्स एंड जो सिस्टमेटिक है सिस्टमिक है वो है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से टिश्यूज़ में पहुंचता है वाया एओटा एंड टिश्यूज से पहुंचता है राइट right ओरिकल वाया वेनाकावा एंड हिपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन डाइजेस्टिव ट्रैक्स जो है वो लीवर में जाता है एंड थ्रू जाता है हिपेटिक पोर्टल वेन कोरोनरी सर्कुलेशन जो है वो ब्लड फ्लो टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर अब इसके बाद आती है आपकी कार्डियक साइकिल तो दैट इज बेसिकली आर सीक्वेंशियल इवेंट्स इन द हार्ट विच आर साइक्लिकली रिपीटेड हार्ट बीट रेट जो है वो 72 बीट्स पर मिनट होती है एंड जो ड्यूरेशन होती है वन हार्ट बीट की वो 0.8 एट सेकेंड होती है इसमें होता है नंबर वन पे जॉइंट सिस्टोल उसके बाद आता है आर्टीरियल सिस्टोल जिसमें ऐसे जनरेट एक्शन पोटेंशियल फिर आता है थर्ड पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल जिसमें ए नोड ए बंडल्स बंडल बंडल ऑफ हिस्स ट्रांसमिट द एक्शन पोटेंशियल फर्दर अब इवेंट्स होते हैं जो फर्स्ट कार्डियक साइकिल में उसको देखते हैं तो लोकेशन भी बताऊंगी जॉइंट आइएस्ट्रोल आर्ट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल तीनों चीज़ें देखेंगे तो ऑरिकल में जॉइंट डिस्ट्रोल रिलैक्स होता है फिलिंग होता है एट्रियल सिस्टोल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है इंक्रीज फ्लो ऑफ ब्लड इंटू वेंट्रिकल्स बाई थर्टी परसेंट एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल रिलैक्स होता है वेंट्रिकल्स में आपका जॉइंट एस्ट्रोल में ये रिलैक्स होते हैं एंड एट्रियल सिस्टोल में भी रिलैक्स होते हैं एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड थ्रू आउट सेवेंटी एम ऑफ ब्लड बाई और वेंट्रिकल स्ट्रोक वॉल्यूम जिसे कहते हैं इसके बाद ट्राई एंड बाइकस्पिट वॉल्व जो है वो जॉइंट डायस्टोल में ओपन होते हैं एंड एट्रियल सिस्टोल उस टाइम भी ओपन होते हैं एंड वेंट्रिकल सिस्टोल में क्लोज होते हैं एंड फर्स्ट हर्ट साउंड लब का प्रोड्यूस होता है एंड सेमिलोनार व्व होते हैं ज्वाइंट डाइस्टोल में एंड सेकेंड हर्ट साउंड जो है डब का वो प्रोड्यूस होता है एट्रियल सिस्टोल में क्लोज होते हैं एंड सिस्टोल में ओपन होते हैं अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी कि ई सी जी सो ई सी जी इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ हर्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल एंड इंस्ट्रूमेंट जो है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है एंड ग्राफिकल प्रिंट जो है होता है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है फॉर अ स्टैंडर्ड ईसी सी जी थ्री लीड्स आर कनेक्टेड टू मोनिटर हर्ट एक्टिविटी दैट इज राइट रिस्ट लेफ्ट रिस्ट एंड लेफ्ट एंकल अब ग्राफिकल स्टैंडर्ड जो हम देखते हैं वो वेव्स होती हैं पी क्यू आर एस टी एंड पी वेव जो है वो क्यू आर एस टी कॉम्प्लेक्स जो है और टी वेव ये तीनों चीज़ें हम देखेंगे सो यहाँ पर पी वेव जो है वो रिप्रेजेंट करती है डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया जो बुक में आपका डायग्राम दिया है उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं P wave is representing depolarization of atria and event may associated that is the contraction of atria and QRS complex jo hai depolarization of ventricles and event associated contraction of ventricles and your T wave hai that representing repolarization of ventricles and your event associated that is relaxation of ventricle number of QRS complexes in a given time period determine the heartbeat rate of an individual and end of t wave marks the end of systole and deviation in ecg indicates a possible abnormality or disease example ecg machine makes sound as patient goes into cardiac arrest now the next one is regulation of cardiac cycle so that is activities of heart are regulated intrinsically that is auto-regulated as human heart is myogenic medulla oblongata can moderate cardiac function through एंड ऑटोनर्वस सिस्टम अब देखते हैं तो यहाँ पे हार्ट बीट रेट जो है वो सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक दोनों केस में देखेंगे तो हार्ट बीट रेट पैरासिम्पैथिक में इंक्रीज़ होती है एंड पैरा में डिक्रीज़ होती है स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन सिम्पैथेटिक में इंक्रीज़ होता है पैरा में डिक्रीज होता है कार्डियक आउटपुट सिम्पैथिक में इंक्रीज होता है एंड पैरासिम्पैथिक में डिक्रीज होता है हार्मोन्स ऑफ एड्रीनल मेड्यूला इंक्रीज कार्डियक आउटपुट इसके बाद आता है डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम तो यहाँ कार्डियक अरेस्ट जो है उसमें हार्ट स्टॉप बीटिंग एंड हार्ट फेल्योर में हार्ट इज नॉट पम्पिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट नीड्स ऑफ बॉडी इसके बाद एक और डिजीज है कैट जिसे कहते हैं यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज या फिर एथिर भी कहते हैं इसमें डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम आयन फैट्स कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड वेसल्स दैट मेक्स एट्रियल ल्यूमन नैरो हाई ब्लड प्रेशर में रिपीटेड चेक्स ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज ग्रेटर दैन वन फोर्टी बाई नाइंटी लीड्स टू हार्ट डिजीजेज एंड ऑल्सो अफेक्ट वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड किडनीज एंजीना पैक्टोरिस और एक्यूट चेस्ट पेन नॉट इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग हार्ट मसल्स एंड इट अफेक्ट्स ब्लड फ्लो कॉमन इन मिडिल एज एंड एल्डरली हार्ट अटैक जो है वो हार्ट मसल इज सडनली डैमेज बाई एन इनएडिकुएट ब्लड सप्लाई हार्ट साउंड जो है वो लब डब कैन बी हर्ड बाई स्टेथोस्कोप एंड हैव क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस कार्डियक आउटपुट है दैट इज अस्ट्रोक वॉल्यूम जब मल्टीप्लाई करते हैं हम हर्ट रेट से दैट इज सेवेंटी इन टू सेवेंटी टू तो ये फाइव लीटर्स आता है एंड कार्डियक आउटपुट ऑफ एथलीट इज हायर दैन अ नॉर्मल मैन इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर ब्लड बॉडी फ्लू एंड सर्कुलेशन आपका कंप्लीट हो गया है एंड आई होप कि आपको ये चैप्टर फटाफट से रिवाइज हो गया होगा एंड जो हमारा टोटल टाइम इसमें लगा है अप्रॉक्सीमेटली पंद्रह मिनट जिसमें हमने इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लिया सो so, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में टिल देन जस्ट स्टे ट्यून विद मी गुड लक एवरी वन बाय एवरी वन टेक केयर